स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत भाग्य विधाता में। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले हमने आपको बताया था भारत में 2023 में 20 से ज्यादा वंदे भारत चलने वाली है। उसमें से इस साल की पहली वंदे भारत 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन देश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। पीएम मोदी ने 8वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के बीच दौड़ेगी। इस दौरान पीएम ने 75वें सेना दिवस के मौके पर संदेश भी दिया। यह 2023 की पहली ट्रेन है और हमारे देश में 15 दिनों भीतर यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। यह दिखाता है कि भारत में कितनी तेजी से वंदे भारत अभियान प्रगति कर रहा है। यह देश में मेक इन इंडिया के तहत बनी ट्रेन है और इसकी रफ्तार के कितने ही वीडियो लोगों के दिलों दिमाग में छाए हुए हैं। इस नई ट्रेन की नियमित सेवा 16 जनवरी को शुरू होगी। टिकटों की बुकिंग शनिवार से शुरू हो गई है। दक्षिण मध्य रेलवे ने बताया कि विशाखापत्तनम सिकंदराबाद एक्सप्रेस 20833 सुबह 5:45 पर विशाखापत्तनम से रवाना होगी और दोपहर 2:15 पर सिकंदराबाद पहुंचेगी। वहीं सिकंदराबाद विशाखापत्तनम ट्रेन 20834 3 बजे सिकंदराबाद से रवाना होगी और रात 11:30 पर विशाखापत्तनम पहुंचेगी। 14 एसी चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार के साथ इस ट्रेन में 1128 यात्रियों की क्षमता है। सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच की दूरी को यह ट्रेन करीब 8 घंटे में तय करेगी। भारतीय रेलवे की ओर से शुरू की गई यह 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली ट्रेन लगभग 700 किलोमीटर की दूरी कवर करते हुए यह तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली ट्रेन है। यह ट्रेन आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, राजमुंदरी और विजयवाड़ा और तेलंगाना में खम्मम, वारंगल और सिकंदराबाद स्टेशनों पर रुकेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।